महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में बसा हुआ यह है मेलघाट। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, टाइगर रिजर्व होने से ये पर्यटकों का विशेष आकर्षण का केंद्र है। मेलघाट में ही कई सालों से रहने वाले ये है कोरकू समुदाय के आदिवासी लोग। यहाँ प्राकृतिक वातावरण होने पर भी अज्ञानता और गरीबी के कारण हर साल हजारों बच्चे कुपोषण ग्रस्त हो जाते हैं। दूर दराज के गांव तक पक्की सड़कें ना होने से ये रास्ते भी जानलेवा हो जाते हैं। यातायात के संसाधनों की कमी सफर को बेहद मुश्किल और जानलेवा बना देती है। यहाँ के आदिवासियों का प्रमुख व्यवसाय खेती, मोहा के फूल इकट्ठा करना और मधु यानी शहद संकलन यही है। किंतु इन सब में ठीक ठाक पैसे न मिलने के कारण अधिक पैसा कमाने के उद्देश्य से यहाँ से आदिवासियों का स्थलांतरण भी होने लगा था। इस पर उपाय के रूप में सबसे जरूरी कदम था यहीं पर इन्हें अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, जो कि संभव हो सकता था उनके पारंपरिक व्यवसाय को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने से। इसीलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा इन आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उपक्रम चलाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से ड्रीम बहुउद्देशीय संस्था कुपोषण और स्थलांतरण रोकने के लिए तथा जंगल आधारित प्रक्रिया रोजगार को बढ़ावा देकर उन्नतशील बनाने का प्रयास कर रही है। संस्था के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की जानकारी इकट्ठा करना और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि रोजगार और दूरगामी उपाय किए जा सके। रेहटिया खेड़ा, बुराटा खेड़ा और रायपुर, इन गाँव में कई उपक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं, जिससे इन आदिवासियों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। अमरावती से 180 किलोमीटर दूर टाइगर जोन में बसा हुआ ये गांव है रिहाटा खेड़ा। टाइगर रिजर्व होने से इस गांव में आजादी के 65 साल बाद भी पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। आधुनिक विकास से कोसों दूर इस गांव में काम करने का निर्णय लेकर ड्रीम संस्था ने अपनी एक अलग पहचान बनाने के साथ साथ इस गांव के विकास की भी कोशिश की। जो गांव आधुनिक खेती से बहुत दूर था, वहां इम्प्लीमेंट बैंक बनाकर किसानों को आधुनिक खेती के औजार उपलब्ध कराए गए, जिसमें नाम मात्र किराए पर ये औजार किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं और इससे मिलने वाली राशि गांव समिति के पास जमा होती है। मका काटने के लिए सिकल और इसके दाने निकालने के लिए मेज शेल जैसे छोटे औजारों से खेती करने के लिए आसानी हो रही है। गांव में मोहा समिति का गठन किया गया और मोहा बैंक स्थापित की गई। मोहा संकलन के बाद उसे सुरक्षित तौर पर जमा रखने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वो सुरक्षित रह सके, खराब ना हो और समय आने पर उसे अच्छी कीमत पर बेचा जा सके। इससे होने वाला फायदा समिति के सदस्यों को बोनस के रूप में वितरित किया जाता है, जिससे अब उन्हीं का मोहा उन्हें ज्यादा पैसे देने लगा है। महिलाओं का सक्षमीकरण करने हेतु स्वयं सहायता बचत गट तैयार किए गए और उन्हें वर्धा के सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेज, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एमगिरी जैसे वैज्ञानिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिए गए, ताकि वे आंवला सुपारी, आंवला शरबत, गोंद के लड्डू, पलाश शरबत जैसे उत्पाद तैयार करके उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। कुपोषण यानी संतुलित आहार की कमी, परंतु दुर्भाग्यवश इन जंगलों में प्राकृतिक आहार का खजाना होने के बावजूद केवल अज्ञानता के कारण ये लोग कुपोषण का शिकार हो रहे थे। ड्रीम बहुउद्देशीय संस्था द्वारा जंगल में मौजूद जंगली सब्जियों को इकट्ठा करने की जानकारी तथा उनके सही इस्तेमाल का प्रशिक्षण इन्हें दिया गया और इन जंगली सब्जियों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जंगली सब्जी महोत्सव यानी रान भाजी महोत्सव का आयोजन भी किया गया। इन सब्जियों के उपयोग से इन महिलाओं और बच्चों की सेहत में सुधार हो रहा है।
शहद इकट्ठा करना इन कोरकू लोगों का पारंपरिक व्यवसाय है। शहद के अनेक छत्तों में से एक विशिष्ट प्रकार के छत्ते को ये लोग राक्षस कहा करते थे, क्योंकि इस छत्ते पर की मक्खियों ने कई लोगों की जान ली थी। इस छत्ते को देखने पर या तो ये लोग इसे डरकर छोड़ देते या हिंसक पद्धति से छत्ते का शहद निकालते, जो कभी कभी जानलेवा साबित होता था। इस पर उपाय के रूप में सुरक्षित और अहिंसक रूप से शहद निकालने के लिए यहाँ के युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। अब ये लोग सुरक्षित और अहिंसक पद्धति से शहद निकाल सकते हैं। निकाले गए शहद को प्रक्रिया करके उसका कोरकू शहद इस नाम से ब्रांडिंग किया जा रहा है। इसके बिक्री की व्यवस्था सेमाडो में कोरकू कैफे इस संस्था की दुकान से की जा रही है, तथा अन्य कई दुकानों में भी ये उपलब्ध है। इसके साथ ही संस्था की वेबसाइट से भी इसे बेचने की व्यवस्था की जा रही है। जंगल से गोंद इकट्ठा करना भी इनका एक पारंपरिक व्यवसाय है। पहले ये लोग पेड़ पर कुल्हाड़ी से घाव करते और गोंद इकट्ठा करते थे, जिससे इन पेड़ों और पर्यावरण को नुकसान होता था। इन्हें भी ड्रीम संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिससे अब ये लोग एक विशिष्ट रसायन का उपयोग करके गोंद अधिक मात्रा में इकट्ठा करके इसे बेचते हैं। महिला सक्षमीकरण के लिए इन महिलाओं को सिलाई मशीन प्रशिक्षण देना शुरू किया है। इनके द्वारा उत्पन्न कपड़ों को बाजार में बेचने की व्यवस्था भी की जाती है। किसानों की लागत कम हो, इसलिए उन्हें बीज प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे बीज की क्षमता बढ़ाने हेतु अलग अलग बीज प्रक्रियाएं की जाती है। आर्थिक उन्नति के लिए पोल्ट्री यानी कुक्कुट पालन के लिए भी लोगों को मदद की गई है। गांव में पोल्ट्री यूनिट स्थापन करवाया गया, जिससे कुछ लोगों को आमदनी हो सके। कई घरों में परस बाग यानी किचन गार्डन तैयार करवा के उसमें उत्पन्न सब्जियां खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बीज लगाया था ग्रीन हाउस से, भिंडी, वांगे, गवार, मिर्ची, अच्छे साया, कई खाने के इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी सेंद्रिय खेती को भी बढ़ावा दिया गया है। ड्रीम संस्था द्वारा कुछ डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट लगाए गए हैं, कुछ सीड्स प्लॉट भी लगाए गए हैं। गांडूर खत, केंचुए का खत भी यहाँ तैयार किया जाता है और जो सेंद्रिय खेती में उपयोग किए जाते हैं। मैं अंतलाल कालू काजदकर रानार बोरा टकेड़ा है। मैं सेंद्रिय सीती गांडूर खत का उपयोग करता है, तो जैसा 2 साल से ड्रीम संस्था वाले ने हमको किट दिया है और गांडूर ला के दिया है, तो जैसा पिरनी करता है, पिरनी करने के पहले हम गांडूर बना लेता है, हम गांडूर का इस्तेमाल करके पूरा जैसा सेंद्रिय सीती करता है। ये है स्पाइरल सेपरेटर। इसके द्वारा अनाज में से कंकड़ पत्थर अलग किए जाते हैं। इसकी प्रक्रिया काफी आसान होती है और खास बात तो यह है कि इसके लिए किसी प्रकार की ऊर्जा या बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। गांव में जानवरों के लिए टीकाकरण और कृत्रिम रेतन के लिए गांव के ही युवकों को प्रशिक्षण देकर काम दिलवाया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा आरती संस्था पुणे के मार्गदर्शन में ड्रीम संस्था द्वारा चलाए गए इन प्रयासों से इन दुर्गम गांवों में कुपोषण में कमी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाई दे रही है। रोजगार में उन्नतशीलता के कारण आर्थिक समृद्धि दिख रही है, इसीलिए स्थलांतरण में भी 80% तक कमी आई है। ड्रीम बहुउद्देशीय संस्था आगे भी ऐसे ही उपक्रमों को सफलतापूर्वक चलाती रहेगी।